पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार जोर पकड़ रहा है। जैसे जैसे विधानसभा की चुनावी तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही बंगाल में हर पार्टी अपनी कमर कसना शुरू करती जा रही है। हाल ही में टीएमसी ने अपने 291 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस भी इसी सियासी संग्राम में घात लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ भाजपा ने अपने दो चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के समेत कुल 57 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कुल 13 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर अपनी तैयारी का बिगुल बजा दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भाजपा के शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी से ममता बनर्जी दोनों का नंदीग्राम से आमना सामना क्या नया मोड़ लेकर आता है।